गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सबसे पहले तो कक्षा 10 के जितने भी विद्यार्थी हैं जो कि इस बार उनका रिजल्ट आया है, उन सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं उनके उज्जवल भविष्य की, और आशा करता हूं कि वो जितनी मेहनत से उन्होंने कक्षा 10 में अंक प्राप्त किए हैं उससे कहीं ज़्यादा वो आने वाली जो सीनियर सेकेंडरी एग्जाम होंगे उनमें मेहनत करेंगे, ठीक है। और अभी तक आप सभी ने क्या सब्जेक्ट चुनना है इस चीज़ को भली भांति से तय कर लिया होगा कि कोई बच्चे मैथ में जा रहे हैं, ठीक है, अर्थात कोई पीसीएम को चुन रहे हैं, तो कुछ बच्चे जो हैं वो पीसीबी को चुना है। पीसीबी और पीसीएम से मतलब है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ स्ट्रीम से हैं कुछ बच्चे, कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के स्ट्रीम से हैं, ठीक है। तो आज की जो अपनी क्लास है वो उन बच्चों के लिए है जो कि पीसीबी को, जिन्होंने किसको चुना है, जिन्होंने पी 11th क्लास में जिन्होंने पीसीबी को चुना है, मींस फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है साइंस स्ट्रीम की एक जो शाखा है उसको जिन बच्चों ने चुना है उन बच्चों के लिए आज की हमारी क्लास है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं एक जानकारी आपको देना चाहूंगा, वो ये है कि कक्षा 11 के जो बच्चे जो इस बार जो एडमिशन ले रहे हैं पीसीबी में या पीसीएम में साइंस स्ट्रीम में, तो इस बार कोर्स में कुछ बदलाव हुए हैं, ठीक है। इससे पहले जो था अपने यहाँ पर आरबीएससी के द्वारा जो कोर्स था वो लागू था, लेकिन इस बार ऑल इंडिया जो है वो एनसीईआरटी का कोर्स लागू है। किसका? एनसीईआरटी, यानी कि नेशनल जो काउंसलिंग जो रिसर्च जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है अपना, ठीक है, उसके द्वारा एनसीईआरटी के द्वारा जो है वो सिलेबस जारी किया गया। काफी इंटरेस्टिंग सिलेबस है, और जो बच्चे जिन्होंने ख्वाब संजो रखे हैं अपने दिमाग में कि मुझे एक डॉक्टर बनना है या मेडिकल जो साइंस है उसके अंदर मेरे को एक अच्छा मुकाम हासिल करना है, तो उन बच्चों के लिए जो है एनसीईआरटी का जो कोर्स है वो काफी बेहतर होता है, कंसेप्ट क्लियर करने में, बहुत सारी चीजें इसके अंदर सीखने में। लेकिन बात सबसे पहले ये आती है कि ठीक है कि हमने साइंस स्ट्रीम से पीसीबी को चुना है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि इनमें जो पीसीबी है यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और जो बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है हमारे पास, इसके सिलेबस में क्या क्या उपलब्ध है, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट, मैं अमित कुमार यादव आपका अपनी इस क्लास में जो है वो स्वागत करता हूँ, और ये अपनी पहली क्लास होगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि इसमें आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। मैं अमित कुमार यादव यहाँ पर बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, और इस बायोलॉजी से संबंधित आज का जो अपना टॉपिक है वो है क्यूरिकुलम सिलेबस की 11th की क्लास की जो बायोलॉजी जो बुक है उसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल है और साल भर आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स बिगेन क्लास। बायोलॉजी जो 11th क्लास है उसके लिए हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम से, चाहे वो किसी भी मीडियम से बच्चे हों, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी ये क्लास है। देखिए, आपकी जो बायोलॉजी की जो बुक है जो कि एनसीईआरटी के द्वारा जारी की गई है, यानी कि जो उसके अंदर जो सिलेबस एनसीईआरटी ने दिया है, उस एनसीईआरटी के द्वारा आपके कंप्लीट सिलेबस को 5 यूनिट में विभाजित किया गया है। कितनी यूनिट बनाई गई है? 5 यूनिट। पहली जो यूनिट है, सबसे पहली जो आपकी यूनिट है वो यूनिट है डिस्कवरी डायवर्सिटी इन द लिविंग जो थिंग्स होती हैं या लिविंग जो वर्ड है अपना जो जीवित जो अपने चारों तरफ हम देखते हैं वो, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट क्या है? यूनिट फर्स्ट के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे डायवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है, डायवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। हिंदी में कहें तो डायवर्सिटी का मतलब होता है विविधता, ठीक है। लिविंग वर्ल्ड का मतलब जीवित जगत, जीवित जगत के अंदर जो विविधता पाई जाती है उस विविधता का एक कंसेप्ट जो होते हैं, ठीक है, वो हम इस यूनिट के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं, ओके। तो डायवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड नाम की जो है वो पहला जो अपना यूनिट है वो है जिसके हम जो जीव होते हैं उनकी विविधता के बारे में पढ़ते हैं। अब कुल मिला के ये देखा जाए कि पहली जो यूनिट है डायवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड जो कि 11th क्लास की बुक है, ठीक है, उसमें जो पहली यूनिट है उसको कुल मिला के 4 चैप्टर में विभाजित किया गया है। कितने चैप्टर में? 4 चैप्टर बनाए गए हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है, फर्स्ट जो चैप्टर है इसका,
पहले जो चैप्टर है वो है द लिविंग वर्ड, जैसा कि नाम है यूनिट का। पहला चैप्टर क्या है इसके अंदर, चैप्टर फर्स्ट है लिविंग वर्ड। क्या है? लिविंग वर्ड, ठीक है, यानी कि जीवित जो जगत है उसके बारे में। और यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं लाइफ के बारे में, कि जीवन क्या है, व्हाट इज लाइफ, ठीक है, जीवन क्या है, इस चीज को हम समझेंगे इसके अंदर। दूसरा जो चैप्टर है इसका, चैप्टर सेकंड जो है वो, सेकंड चैप्टर के अंदर लिविंग वर्ड के बारे में जानने के पश्चात हम पढ़ते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। तो दूसरा चैप्टर किससे संबंधित है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दूसरा है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से मतलब, बायोलॉजिकल का तो मतलब आप जैविक समझते हो, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण। क्या होता है? वर्गीकरण। कहने का मतलब यह है कि अपने चारों तरफ जो लिविंग वर्ड है, इस लिविंग वर्ड में एक नहीं बहुत सारी जातियां उपलब्ध है, ठीक है, एक नहीं है, सौ नहीं है, हजार नहीं है, लाखों नहीं है, यहां पर करोड़ों जातियां जो है वो निवास करती हैं, ठीक है। और एक अनुमान के तौर पर यहां पर लगभग 1.8 मिलियन जो है जो स्पीसीज जो है वो इस धरती के ऊपर है। तो इतनी ज्यादा स्पीसीज की स्टडी करना, ठीक है, ये इम्पॉसिबल है अगर हम उन्हें अलग अलग रूप से पढ़ें। सो आवश्यक किस चीज की है? आवश्यकता है उनकी क्लासिफिकेशन की। तो जीवों को जिस वर्ग के, यानी कि जीवों का जो वर्गीकरण किया गया है उस वर्गीकरण के बारे में हम पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर में, कि किन जीवों को किस वर्ग में रखा गया है। जैसे पेड़ पौधे होते हैं उन्हें प्लांटी वर्ग में रख दिया, जीव जंतु जो होते हैं उन्हें एनिमेलिया के अंतर्गत रख दिया, ठीक है ना। ऐसे ही पंच जगत अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे, उन पंच जगत अवधारणा के पश्चात जो एस विटेकर के द्वारा दी गई थी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो क्लासिफिकेशन के जो मूलभूत जो तत्व होते हैं, ठीक है, उनके जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि क्लासिफिकेशन के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक है, कि किस तरह से किस आधार पर हम क्लासिफिकेशन करेंगे, तो वो आधार पढ़ेंगे, वो बेसिक चीजें पढ़ेंगे हम दूसरे चैप्टर के अंदर, और उनके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये दूसरा चैप्टर है। चैप्टर जो थर्ड है अपना, जो कि यूनिट फर्स्ट का है, चैप्टर थर्ड जो है वो प्लांट किंगडम के बारे में है। क्लासिफिकेशन कर लिया, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, प्लांट किंगडम के बारे में, अर्थात जो प्लांट होते हैं वो, पहले तो उनके क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे कि प्लांट का जो क्लासिफिकेशन है वो किन रूपों में किया जाता है, इसके पश्चात उनके विभिन्न प्रकार के जो भी गुण वगैरह होते हैं, उनके जो इंपॉर्टेंस होते हैं, जो कैरेक्टर होते हैं उनके, उन कैरेक्टरों को भली प्रकार से पढ़ेंगे। काफी इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर। और नेक्स्ट जो चैप्टर है, फोर्थ जो चैप्टर है पहली यूनिट का, वो माय डियर स्टूडेंट वो है एनिमल। क्या है? एनिमल किंगडम। क्या है? एनिमल किंगडम, यानी कि जिस तरह से हम प्लांट के बारे में पढ़ते हैं ऐसे हम एनिमेलिया के बारे में भी पढ़ेंगे, यानी कि जो जंतु जगत होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, कि जंतुओं का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया गया है, किस आधार पर किया गया है, उनके कैरेक्टर क्या है, ये सारी चीजें। ओके, सो ये अपनी पहली यूनिट पढ़ेंगे हम, जो कि क्या है, डायवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जो जीवित जगत होता है उसके अंदर विविधता के बारे में। सरल टॉपिक है, इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, बस आपको ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए ये जो है ये काफी इंपॉर्टेंस रखता है। और कहने के मतलब ये है कि पहली यूनिट से अक्सर क्वेश्चन जो है वो पुटअप किए जाते हैं। ओके, सेकेंड जो यूनिट है अपनी, दूसरी जो यूनिट है, यूनिट सेकेंड, माय डियर स्टूडेंट, यूनिट जो सेकेंड है वो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। किसके बारे में है? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ओके। और ये स्ट्रक्चरल जो ऑर्गेनाइजेशन है ये किन में है? ये है एनिमल्स और प्लांट के अंदर। अर्थात जो एनिमल होते हैं, यानी कि जो जंतु होते हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी कैसी होती है, उनकी एनाटॉमी कैसी होती है, इसी प्रकार से जो प्लांट होते हैं, यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं, उनकी बाह्य संरचना कैसी होती है, उनकी आंतरिक संरचना किस प्रकार की होती है, उनमें कौन कौन से ऊतक पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये हम दूसरी यूनिट में पढ़ते हैं, जिसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है।
और स्ट्रक्चरल जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें तीन चैप्टर है, कितने हैं चैप्टर? पहला जो चैप्टर है वह है मोर्फोलॉजी। क्या है? मोर्फोलॉजी हो जो अपने फ्लोरिंग जो प्लांट होते हैं उनकी, फ्लोरिंग प्लांट, समझ गए? यानी कि जो पुष्पीय जो पादप होते हैं उन पुष्पीय पादपों की बाह्य संरचना कैसी होती है वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है, दूसरी यूनिट के पहले चैप्टर में। दूसरा जो चैप्टर है, चैप्टर जो सेकंड है, वो चैप्टर सेकंड जो होता है वो एनाटॉमी से संबंधित है। किससे? एनाटॉमी, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, अर्थात कहने का मतलब है कि प्लांट की आंतरिक संरचना कैसी होती है, यानी कि जो पुष्पीय पादप होते हैं उनकी आंतरिक संरचना किस प्रकार की होती है ये हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में, ओके। और जो थर्ड चैप्टर है सेकंड यूनिट का, चैप्टर जो थर्ड है सेकंड यूनिट का माय डियर स्टूडेंट, उसके अंदर हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, ठीक है, अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो जंतु होते हैं उनकी संरचना किस प्रकार की होती है। जैसे प्लांट की अलग अलग पढ़ते हैं ऐसे ही हम एनिमल्स की जो संरचना है उसके बारे में पढ़ेंगे हम तीसरे चैप्टर में, जो कि सेकेंड यूनिट का है, ओके। इसके पश्चात ये तीन चैप्टर इसमें हो गए, चार चैप्टर पहली यूनिट में थे। अब इसके पश्चात अगर हम तीसरी यूनिट की बात करें, जो थर्ड यूनिट है आपकी बायोलॉजी एनसीईआरटी की बुक की 11th क्लास के लिए, उस तीसरी यूनिट को हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के रूप में पढ़ते हैं। क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन, यानी कि कार्यात्मक और संरचनात्मक विशेषताएं जो होती हैं वो पढ़ेंगे, और खासकर यहां हम पढ़ेंगे कोशिका के बारे में, ठीक है। क्यों? क्योंकि किसी भी जीव की कोई भी जो जीव होता है उस जीव की जो सबसे सूक्ष्मतम जो इकाई होती है वो होती है कोशिका, ठीक है, और उस कोशिका के बारे में अध्ययन करना बहुत जरूरी होता है। तो तीसरी यूनिट जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और हम अपनी क्लास भी इसी टॉपिक से शुरू करने वाले हैं, सेल से, ठीक है। तो हम कहां से शुरू करेंगे? सेल से ही करेंगे। इसके अंदर भी हम कुछ चैप्टरों के पढ़ेंगे, और पहला जो चैप्टर है वो चैप्टर है सेल। क्या है? सेल। व्हाट इज सेल? सेल के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात ये कह सकते हैं द यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल, कि हमारे जीवन की जो सबसे सूक्ष्म जो माइक्रो जो यूनिट होती है वो सेल होती है, और इस सेल की स्ट्रक्चर कैसी होती है ये हम पहले चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि तीसरी यूनिट का है, जो कि क्या समझाती है? जीवों की स्ट्रक्चर और उनकी फंक्शन के बारे में, या उस यूनिट के बारे में बताती है जो कि इसके लिए जिम्मेदार होती है। सेकेंड जो चैप्टर है इसका, सेकेंड जो चैप्टर है थर्ड यूनिट का, उसके अंदर हम पढ़ेंगे बायो मॉलिक्यूल्स के बारे में। किसके बारे में? बायो मॉलिक्यूल्स के बारे में। माय डियर स्टूडेंट, बायो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ये भी सेल में ही उपस्थित होते हैं, ठीक है, हम संरचना को पढ़ रहे हैं। बायो मॉलिक्यूल्स का मतलब जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ठीक है ना, या फिर आरएनए, डीएनए और भी बहुत सारे, ठीक है, एक्स्ट्रा जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में और उनके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। किसके अंदर? सेकंड चैप्टर में, जो कि थर्ड यूनिट का सेकंड चैप्टर होगा। और इस अगला जो चैप्टर है इसका, जो तीसरा जो चैप्टर है हमारी थर्ड यूनिट का, वो है सेल साइकिल। क्या है? सेल साइकिल, ठीक है, एंड सेल डिवीजन, ओके, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ओके, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, यानी कि कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। यानी कि एक कोशिका जो होती है, हमारा शरीर ग्रोथ करता है आप जानते हैं, पेड़ पौधे भी बढ़ते हैं, आप एक छोटा सा बीज लगाते हैं और कुछ सालों के पश्चात वो एक बड़ा वृक्ष बन जाता है। हाउ इट पॉसिबल, थिंक अबाउट इट, कि वो ये ऐसा कैसे संभव होता है? तो इसका एक ही कारण है, वो क्या है? वो है सेल डिवीजन, कि जो कोशिकाएं होती हैं वो विभाजन करती हैं, अपने आकार में वृद्धि करती हैं, और ये कैसे विभाजित होती हैं, कैसे अपने आकार में वृद्धि करती हैं, इस चीज को हम पढ़ेंगे तीसरे चैप्टर में थर्ड यूनिट के, जिसे हम कह रहे हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ओके। तो ये तीसरी यूनिट थी। फोर्थ जो यूनिट है हमारी, फोर्थ जो यूनिट है वो है यूनिट फोर,
यूनिट फोर जो है वो है फिजियोलॉजी से संबंधित, किससे संबंधित है, फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट, ठीक है, कि एक प्लांट जो होती है उसका जो फिजियोलॉजी होती है वो किस प्रकार से होती है, और यानी कि एक प्रकार से कार्यात्मक जो रूप होता है इसका, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि प्लांट जो होता है इसमें कुछ चैप्टरों को शामिल किया गया है, 5 चैप्टरों को शामिल किया गया है, ठीक है, और वो जो 5 चैप्टर हैं वो कौन कौन से हैं, यदि उनकी हम बात करें तो पहला जो चैप्टर है वो क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्ट से संबंधित होता है, या रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट एंड वाटर, यानी कि जो पानी होता है या मिनरल्स जो होते हैं, उन मिनरल्स और पानी जो होता है उनका आपस में क्या संबंध होता है, पेड़ पौधों से वो किस तरह से संबंधित होते हैं, पेड़ पौधे में पानी की जो अवशोषण है, उसका वाष्पोत्सर्जन की प्रोसेस है, ये सारी जो है वो किस तरह से कंप्लीट होती है, तो ये हम पढ़ने वाले हैं चौथी यूनिट में। इसके अलावा जो इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि जो हायर जो प्लांट होते हैं, यानी कि जो अपने चारों ओर तरफ जो पुष्पीय जो पादप आपको नजर आते हैं, उनके अंदर जो है फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, कक्षा 10 में आपने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, कि पेड़ पौधों के द्वारा सूर्य की उपस्थिति में, ठीक है, पेड़ पौधों के द्वारा सूर्य की उपस्थिति में जल और किसका, CO2 का उपयोग करके कार्बोहाइड्रेट का अपचयन करना, ये जो प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस होती है, ये फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, और इसी में हम फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट के अंदर प्रकाश संश्लेषण को भी पढ़ने वाले हैं। अगला जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन, यानी कि श्वसन क्रिया, वो भी प्लांट के अंदर, जैसे हम सांस लेते हैं हमारे हमारे पास एक रेस्पिरेशन सिस्टम होता है, इसी प्रकार से पेड़ पौधे भी श्वसन क्रिया करते हैं, तो वो किस प्रकार से श्वसन क्रिया करते हैं वो भी हम इसमें पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट के अंतर्गत, ठीक है। तो ये कुछ चीजें पढ़ने वाले हैं, प्लांट ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे, या फिर कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होते हैं, उनके रेगुलेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। और माय डियर स्टूडेंट, अंतिम जो यूनिट है, पांचवी जो यूनिट है वो क्या कहती है, पांचवी यूनिट के अंतर्गत हम पढ़ते हैं फिजियोलॉजी ऑफ एनिमल्स, ठीक है, फिजियोलॉजी इन एनिमल्स, ठीक है, किसके बारे में पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी इन एनिमल्स, यानी कि जिस तरह से हमने अभी प्लांट के बारे में पढ़ा है, उनकी फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ा है कि किस तरह से वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, कैसे श्वसन क्रिया करते हैं, कैसे जल का अवशोषण करते हैं, कैसे मिनरल्स उन तक पहुंच पाते हैं, ठीक है, ये सारी प्रोसेस होती है, ये प्लांट के अंदर फिजियोलॉजी कहलाती है। इसी तरह से हमारे अंदर भी, एनिमल्स के अंदर भी जो है फिजियोलॉजी के अंतर्गत जो हम पढ़ेंगे वो वही चीजें पढ़ेंगे, डाइजेशन को पढ़ेंगे, यानी कि भोजन फूड को पढ़ेंगे, फूड के पाचन को पढ़ेंगे, उनके डाइजेशन को पढ़ेंगे, एब्सॉर्प्शन को पढ़ेंगे, हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम को पढ़ेंगे, हमारे सर्कुलेशन सिस्टम को पढ़ेंगे, ठीक है, जो परिसंचरण जो तंत्र होता है हमारा उसको पढ़ेंगे, अर्थात हार्ट है, रक्त है, ठीक है, रक्त वाहिनियां हैं, उनमें आपस में किस प्रकार का संबंध होता है, ठीक है, अवशोषण की जो प्रोसेस होती है भोजन के, वो किस प्रकार से पॉसिबल होती है, हमारे अंदर श्वसन की क्रिया किस प्रकार से संभव होती है, ये सारी जो चीजें होती है ये हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, ये हम पढ़ते हैं फिजियोलॉजी इन एनिमल्स के बारे में। और साथ ही साथ हम ये भी पढ़ते हैं कि जो हमारा कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है, या हमारा जो नियमन होता है, कहने या रेगुलेशन जो होता है वो किस तरह से संभव है, रेगुलेशन की जो प्रोसेस होती है, जैसे मैं बोल रहा हूं मेरा शब्दों पे जो कंट्रोल है आप सुन रहे हैं, ठीक है, उस चीज को समझ रहे हैं, और ये सारी जो चीजें होती है ये हमारे रेगुलेशन से संबंधित होती है, जैसे अचानक किसी चीज से डर जाना, गर्म वस्तु को छूते ही हाथ को हटा लेना, ठीक है, या और दूसरी चीजें जो होती हैं वो हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, वो हम अपने कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, और वो पढ़ेंगे फिजियोलॉजी इन एनिमल्स के बारे में। सो आज की जो क्लास है वो क्यूरिकुलम सिलेबस से संबंधित थी, आई होप आपको सिलेबस अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, पैनिक लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी एक बेहतर तैयारी कराऊंगा पूरे साल, ठीक है, इस चीज का मैं वादा करता हूं। और हमारी जो 11th क्लास की जो NCERT की जो बुक है उसकी 5 यूनिट है, 5वों में कुछ चैप्टर हैं, टोटल कुल मिला के 22 चैप्टर हैं ये, ठीक है, पहली यूनिट डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड से संबंधित है, दूसरी जो है वो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है, तीसरी जो है वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से संबंधित है जिसमें हम सेल के बारे में पढ़ते हैं, चौथी जो है वो फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट के बारे में है, और पांचवी जो है फिजियोलॉजी इन एनिमल्स के बारे में है, ओके।
तो ये हमारा सिलेबस था। आई होप आपको सिलेबस अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो भी वीडियो आएंगे उन वीडियो में हम आपका कोर्स शुरू करने वाले हैं, और मैं जो पहला जो चैप्टर आपको पढ़ाने वाला हूँ वो पढ़ाऊंगा हम किसके बारे में, तीसरी यूनिट से संबंधित स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वाली जो यूनिट है यहाँ से, क्योंकि सेल जो कि किसी भी जीव की सबसे सूक्ष्म यानी कि फंक्शनल और स्ट्रक्चरल जो इकाई होती है, यूनिट होती है, वो सेल होती है। तो सबसे पहले हम सेल के बारे में जानेंगे, उसके बाद क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे हम आपको, ठीक है। तो हम पहली जो तीसरी यूनिट का जो पहला चैप्टर है जिसे हम सेल कहते हैं, ठीक है, यूनिट ऑफ लाइफ, इसके बारे में अगला वीडियो आएगा। सो तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। हैव ए नाइस डे, गुड बाय।